अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रोटो सोल गेमर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल पबजी नहीं चल रही है और सर्वर का इशू बता देता है पबजी। कुछ प्लेयर तो ऐड ही नहीं होते गेम में, और जो ऐड हो भी जाते हैं गलती से उनकी गेम बहुत ज़्यादा लैग होती है। और एयरप्लेन के एंड पे 50-50, 60-60 बंदे भी रहे होते हैं और कुछ की तो गेम ही नहीं चलती है बिल्कुल ही। तो आपको इसकी मेन वजह मैं बताता हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा आज वीडियो भी देखी, कल भी देखी, मगर किसी ने ये बताया नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेन रीज़न क्या है। क्योंकि बताएंगे भी कहाँ से, उन्हें पता ही नहीं है भाई गेमिंग कम्युनिटी का। कोई वी लॉगिंग करके, कोई रोस्टिंग करके, और कोई प्रैंक्स बना के सब्सक्राइबर हासिल कर करके आके तो गेमिंग कम्युनिटी में घुस जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। भाई अपने आपको कुछ अकल दें, आप देखें आपने ऊपर गेमिंग कम्युनिटी में भी ऐसे ही लोग लाने हैं तो फ़ायदा। गेमिंग कम्युनिटी को तो गेमिंग की रहने दो ना भाई, गेमर्स को ऊपर ले गया। जैसे अरसलान ऐश है वो बेचारा 1,20,000 सब्सक्राइबर नहीं अभी तक उसके हुए, और ये जो 2 नंबर गेमर बने हुए हैं जिन्हें शोहरत मिली है रोस्टिंग से, फ्रैंक से, वी लॉगिंग से, वो मिलियन सब्सक्राइबर उधर से बना के तो गेमिंग स्टार्ट कर दी है। क्यों कर रहे हैं भाई वो ऐसा? पैसे कमाने के लिए बस। गेमिंग का उन्हें कुछ पता नहीं है, गेमिंग का उन्हें घटिया इंसानों को पता ही नहीं है भाई। वो आपको इंफॉर्मेशन क्या देंगे, पैसे कमाने के लिए बस आए हैं, फेम लेने के लिए। अब आप आज भी अरसलान ऐश को एक आधी मेल करके या मैसेज करके पूछ लें कि असल वजह क्या है, तो वो आपको खुद से नहीं बता देगा ये हुआ। वो उधर जो उसके जो कॉन्टैक्ट बने हैं इस बोर्ड के उधर के, वो उधर कॉल करके पूछ सकता है भाई। आपको वो रीज़न बताएगा जो रीज़न है, ना कि अपने से इनकी तरह चवले मार के यूट्यूब पर व्यू बस व्यू ले लेगा। आपको ये पॉइंट जो है ना जेहन में रखें कि आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही दे सकता है जो गेमिंग कम्युनिटी के साथ जो है ना अटैच है। इसलिए आप उसे सपोर्ट करें जो गेमर जो है ना, बस उसे सपोर्ट करो जो गेमिंग कम्युनिटी को जानता है। अब मेन रीज़न क्या है, आपको किसी बड़े ये इस गेमर ने नहीं बताई होगी जो आजकल बने हुए हैं। गेमर तो है नहीं वो वैसे, मगर गेमिंग में उठ के आ गए हुए हैं भाई। वजह असल क्या हुई है, किस कोई कह रहा है सर्वर जो है ना वो काम नहीं कर रहा, कोई कह रहा सर्वर क्रैश हो गया, कोई कह रहा सर्वर हैक हो गया, और कुछ कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ही कोई और है। और भाई मेन वजह किसी ने नहीं बताई, मेन वजह मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। मेन वजह जो है ना, नीचे आग लगी है ट्रंप के, अमेरिका के नीचे हमेशा जो आग लगती है ना वो फिर लग गई है। कि दूसरे मुल्क तरक्की क्यों कर रहे हैं, वैसे तो वो तरक्की कर चुके हैं मगर इसको आग लग जाती है कि से ऊपर कोई ना चला जाए, और वो चले गए हुए हैं। जैसे कि जापान है और चाइना की टेक्नोलॉजी है, इनको कभी भी ये नीचे नहीं ला सकते। कोशिश करते रहते हैं ये मगर ला नहीं सकते, जो मर्ज़ी कर लें या बस साजिशें करने वाले हैं। इतना घटिया दिमाग है इन लोगों का, ट्रंप का तो क्या ही बात है भाई। तो इस ट्रंप ने फिर यही वो चवल मारी है जैसे टिकटॉक के साथ मारी है। पहले तो टिकटॉक को चाइना को कहता कि भेज दो हमें, ये है वो है, भेज दो सेल कर दो। तो बाद में जब उसने सेल नहीं किया तो महीने बाद कहता टिकटॉक बैन करो, ये है वो है, ये ऐप तो बहुत ख़राब है, इसमें फहाशी है, उसके बाद ये सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी हमारे डाटे लीक हो रहे हैं इसकी वजह से। भाई कोई कंपनी जब डाटा लेती है तो उसकी सिक्योरिटी भी करती है, वो अमेरिका की कंपनी नहीं है जो डाटा लीक करके गवर्नर को दे देगी, ये लो यूज़ करो उसको मुल्कों के खिलाफ। तो वो इशू अब इसने टेंसेंट के साथ कर दिया हुआ है। टेंसेंट को कह रहा है कि अपना डाटा दो हमें, इंफॉर्मेशन दो कि कैसे काम कर रहे हो, हमें शक है कि आप डाटा लीक कर सकते हो, ये है वो है, सिक्योरिटी इशू बना के ये वो तंग कर रहा है टेंसेंट को। और इस दफ़ा इसने सिर्फ टेंसेंट को नहीं तंग किया, एपिक इंजन, उसके बाद ब्लूस्टार्क, वो जितने गेमिंग के तकरीबन 9 गेमिंग इंजन को इसने ये तंग किया हुआ है के तंग ये किया हुआ है, हमें इंफॉर्मेशन दो डाटा दो। अरे भाई कोई पागल है कंपनी डाटा दे दे, किसी के मुंह पे चूतिया लिखा हुआ है कि वो अपनी कंपनी का डाटा उठा के तुझे बगैर को दे दे,
और तू दूसरे मुल्कों के खिलाफ उसे यूज़ करे। अब उन्हें पता है हमारे पीसी में क्या चल रहा है, ये उठा कर वो अगर अमेरिका को दे देंगे सब, तो कुछ पीसी तो ऐसे हैं जो हमारे अदारे जो हैं वो खेल रहे हैं, वो भी खेलते हैं गेमिंग का, किसको नहीं शौक होता, जो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनके पीसी से का डाटा उधर जाएगा तो भाई क्या होगा, खुद समझे, डाटा सारा लीक हो जाएगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, इंडिया, उसके बाद दूसरे मुल्क चाइना का अपना, और सारी कंट्रीज का डाटा जो है ना जाएगा। और यही बस वो गेम खेल रहा है कि किसी तरह हमारे पास डाटा आ जाए। और टेंसेंट को तंग किया हुआ उसने बहुत ज़्यादा, और दूसरे गेमिंग इंजन को भी, उसकी वजह से ही इसने अटैक भी किया सर्वर पर हैक करने की, मगर नहीं हो सका, नाकाम हुआ। तो अब जो सर्वर पे है ना, डेवलपर जो है वो काम नहीं इतना भी सही कर रहे, वो अपनी जो है ना सिक्योरिटी ज़्यादा था उस पर ध्यान है उनका कि सिक्योरिटी हमारी लीक ना हो डाटा ये वो, तो इसलिए सर्वर डाउन है। तो इंशाल्लाह इसका हम मुंह तोड़ जवाब ही मिलेगा उसे, फिर टिकटॉक की तरह जैसे चाइना ने दिया था उसे फिर मिलेगा। और बाकी जो इंजन है ना गेमिंग, वो भी यही करेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना ट्रस्ट खत्म नहीं कर सकती। असल वजह ये है भाई जान, कोई सर्वर डाउन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, बस ये अमेरिका की पीछे फिर गया हुआ है बड़ा सा ट्रंप के अंदर, तो उसे दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा कि दूसरे मुल्क जो है ना इतना बिजनेस क्यों करने लग पड़े हैं। बस बिजनेस तो एप्पल नहीं करना है ना, और कोई कर ही नहीं सकता भाई, यही बिजनेस करेंगे बस। और आपको पता होना चाहिए कि एप्पल को टक्कर जो दे रहा है ना इस दफ़ा, वो भी चाइना का ही आदमी है जी, वही मार्केट में दूसरे नंबर पर जो बिजनेसमैन आ गया ना, वो भी चाइनी का ही है, चाइनीज़ है उसका नाम, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल सा है। मगर आप आजकल ये लिनोवो, उसके बाद रेडमी और दो तीन मोबाइल हैं जो स्केलिन की कंपनी है, और कहने को आ रहा है कि जल्दी वो एप्पल को नीचे फेंक देगा भाई, एप्पल की कंपनी को नीचे जल्दी फेंक देगा जैसे वो बिजनेस कर रहा है। तो बस यही मौतें पा रही हैं अमेरिका को कि हमारा बिजनेस ना ख़त्म हो जाए, इसलिए वो दूसरे मुल्कों को तंग कर रहा है। और असल वजह यही है भाई जान इस, बाकी ऑफिस में आपको इन्फॉर्मेशन मिलगी होगी सही वाली। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट में बताइएगा किसी ने बताया था भाई ऐसे कि मैं, मेन वजह ये है। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ओनली ट्रू इन्फॉर्मेशन।